तो कैसे आप सभी, तो देखिए आज मैं डिस्कस करूंगा कि जो आपने सीयूटी पीजी 2024 का एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, फाइनली उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। जी हाँ, बिग अपडेट है, फाइनली सीयूटी पीजी का जो रिजल्ट है, जो एग्ज़ाम आपने दिया था उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है और उसको लेकर नोटिस भी निकाल दिया गया है। तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। अब बात की जाए, ये जो एग्ज़ाम आपके हुए थे 11, 12, 13 यानी 11 से लेकर 28 मार्च के बीच तक आपके एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें CBT मोड हुआ था 572 डिफरेंट सेंटर पे और 262 सिटीज़ के अंदर, मुंबई, दुबई, काठमांडू, इन सब में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे। तो इसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब बात की जाए इसके अंदर कितनी यूनिवर्सिटी थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 39 थी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 39 थी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन 15 थे, अदर प्राइवेट एंड डीमेड यूनिवर्सिटी 97 थे और इसका जो रिजल्ट है वो फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब देखिए, अब आपको रिजल्ट जो है वो कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी इन्होंने स्कोर बता दिया कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे कैटेगरी वाइज, आप नोटिस में देख सकते हो, है ना। तो नोटिस इन्होंने बता दिया है कि कितने स्टूडेंट ने रजिस्टर करवाया था। तो बिग अपडेट ये है कि रिजल्ट जो है वो आ चुका है और CUT PG का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, उस लिंक पे जाके आप जो है रिजल्ट निकाल सकते हो। पहले मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट आपको निकालना कैसे, एक मिनट। तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम क्या है, pgcut.samarth.ac.in, ये लिंक है, आप देखिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो ग्रीन कॉर्नर आ रहा है, अनाउंसमेंट, वेलकम टू CUT PG 2024 पोर्टल, NTA डिक्लेयर CUT PG 2024 रिजल्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है, एक मिनट। तो आप नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा है लॉग इन, इस पर आपको क्लिक करना है, आपको लॉग इन करना है अपना, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आपका जो रिजल्ट है आप यहाँ से निकाल सकते हो, इसको अपना लॉग इन कीजिए, अपना रिजल्ट जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो